आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टी लग चुकी हैं। इसी कड़ी में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सुनील सिंह ने एमकेएन न्यूज से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे। लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर रहेगा। कांग्रेस से भी गठबंधन इंडिया गठबंधन है, तो लोकदल जिस तरह से इंडिया गठबंधन में अगर लोकदल को गठबंधन में लिया जा रहा है, तो लोकदल को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलने के अनुमान? लोकदल को इस पूरे प्रदेश और देश में, लोकदल पहले तो राष्ट्रीय दल रहा है, लोकदल हरियाणा में देवीलाल जी भी लोकदल के थे, बिहार में जो भारत रत्न मिले कर्पूरी ठाकुर जी भी लोकदल के थे, राजस्थान उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी भी थे, तो ये पूरे का पूरा लोकदल परिवार है। और लोकदल परिवार पहले एक जमाने में कांग्रेस से लड़के 1977 में क्रांति लाया था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनता दल की सरकार बनी थी। आज लोकदल परिवार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ उन हालत में खड़ा है जब देश में लोकतंत्र लूटा जा रहा है, लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। लोकतंत्र को बचाने को, देश को बचाने को आज लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। बहुत छोटा प्रश्न है कि कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, लोकदल लड़ेगा और लोकदल जो भी इंडिया गठबंधन के साथ बात होगी आपस में लड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि लोकदल उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान हरियाणा इन सब राज्यों में इंडिया गठबंधन को किसान आंदोलन और इनका इतना बड़ा फायदा पहुंचाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि जयंत चौधरी एक नकली राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ लेके गए और शायद उससे चौधरी साहब का नाम का फायदा ले पाएंगे, लेकिन लगता है कि जयंत जी भले ही चले गए हों, जयंत जी को फायदा हो जाएगा लेकिन कोई वोट जयंत जी के साथ नहीं गया। सारे का सारा किसान, सारे का सारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का मतदाता, जो दो चार सीटों पर उनका प्रभाव था, वो पूरी तरह से विपक्ष के साथ खड़ा है, वो जाने वाला नहीं है और वो इस लोकदल और इंडिया गठबंधन के साथ आने वाले समय में वोट देगा। सर, हमारे साथ थे लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सुनील सिंह जी, और इनका कहना है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार काम कर रहा है, आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं वो भी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगी। कैमरामैन नफीस के साथ मैं राशिद अलवी, लखनऊ।